ठीक है, तो अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम यहाँ आ चुके हैं अकाउंट के ऑप्शन में, या सेटिंग्स में जाके, हमारे अकाउंट्स में जाके प्रोफाइल्स में, प्रोफाइल्स में आपको इंटरफेस आ गया। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ये आपका आ रहा है स्टोर नेम। ठीक है, स्टोर नेम बहुत ज़रूरी है। जब आप द्रास हब में जाएंगे, आपका पार्सल रिटर्न आता है या डिलीवरी फील्ड आता है, तो वहाँ पे आपको अपना स्टोर नेम बताना होता है। ठीक है, तो आपने स्टोर नेम अपना याद कर लेना है। यहाँ पे देखें ऑप्शन दे रहे चेंज करने का स्टोर नेम। अमूमन होता है कि स्टोर नेम जो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन फ्रंट एंड से होता है, बैक एंड से नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे वो दे रहे देख लेते हैं क्या। यहाँ पे आप अपना लोगो, यानी कि आप कोई भी ब्रांड है, अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। फिर ऑप्शन दे रहा है, खैर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओके, इतनी साइंस से चेंज होता है नहीं है, लिखा हुआ भी आ रहा है प्लीज नॉट यूज एन सेंसिटिव ऑलरेडी नोट। इफ यू चेंज योर स्टोर नेम, योर स्टोर लिंक विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द न्यू स्टोर नेम। द ओल्ड स्टोर लिंक विल लूज अफेक्ट इन वन मंथ। ठीक है, यानी कि एक महीने का टाइम दे रहा है, आप स्टोर नेम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका आइडिया नहीं है, मैंने लास्ट टाइम चेंज किया था तो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। खैर आप चेंज करके ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, स्टोर यूआरएल जो है जो आप एक मरतबा हो चुका है तो वो बन चुका है, वो चेंज नहीं होता है। आप जनरेट क्यू आर कोड के जरिए भी जो लिंक आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट क्यू आर कोड क्लिक करेंगे अभी सेंड कर देंगे तो ये लिंक ऑटोमेटिक स्कैन करेगा तो पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट बैनर है, ऐसे के स्टोर पे होता है बैनर वगैरह, आपका लोगो हो गया बैनर, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ होगी यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है सेलर आईडी, ये सेलर आईडी बहुत जरूरी होती है, यहाँ लिखा है कॉपी सेलर आईडी। समटाइम भी होता है कि दराज सपोर्ट पर जब आप बात करते हैं तो वहाँ पे अक्सर वो बोलते हैं अपनी आईडी शेयर कीजिए। ठीक है, यानी फेसबुक ग्रुप पर जाकर अपलोड करते हैं मेरा ये इशू है, तो बोलते हैं आप अपनी दराज की आईडी सेंड कीजिए। तो आपकी दराज की आईडी ये होती है, ये होती है यूनिक, यानी कि आपका एनएससी नंबर होता है। ठीक है, सेम नहीं हो सकता, सेम तो यही होता है। कोई आपसे मांगेगा दराज आईडी सेंड करें, दराज का बंदा, तो आपने ये सेंड करना है, फिर वो आपको इशू दिखेगा क्या है। अब स्टोर यूआरएल क्या होता है, स्टोर यूआरएल ये होता है कि आपकी शॉप होती है। अगर आपको सेंड करने किसी कस्टमर को आपने अपना स्टोर का लिंक सेंड करना है तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। जैसे आप ये लिंक सेंड करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक स्टोर उससे मिल जाएगा, तो वो सारी जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह आपके स्टोर पे देख सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब हम चलते हैं इस पर। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पर आपका एनएससी होता है, यहाँ पर आपका आपने अगर डीमॉल वगैरह है यहाँ पर आपको ब्रांड शो कर देगा, और यहाँ पर अकाउंट सेटिंग होती है जो हम देख चुके हैं। तो सेलर प्रोफाइल चेक करते हैं। सेलर प्रोफाइल में देखें यही आपका आईडी आ रहा है। ठीक है, आपका फर्स्ट एंड लास्ट लिखा हुआ आ रहा है, आपकी ईमेल लिखी हुआ आ रही है, आपका नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आपका शॉप नेम लिखा हुआ आ रहा है, आपका हॉलीडे मोड पे ऑन है ऑफ है, आप इसको जहाँ चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं मॉडिफाई। ठीक है, हॉलीडे मोड पे अगर आपने अकाउंट फर्स्ट करें, आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपने हॉलीडे मोड पर लगाना है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट दे देंगे और लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑफलाइन हो जाएंगे। ठीक है, और हॉलीडे मोड पर चले जाएंगे, सही होगा कस्टमर आपका ऑर्डर नहीं कर पाएगा, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब बिजनेस इन्फॉर्मेशन में जो है वो आपका यहाँ पे एनएससी वगैरह होता है, ये मैं आपको दिखा नहीं सकता तो ये ऑप्शन मैं काट दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो सेलर टाइप लिखा है इंडिविजुअल, जैसे बताया हमने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट किया था वहाँ शो कर रहा है, कंपनी नेम क्या था आपका वो यहाँ शो कर देगा, हमने इंडिविजुअल किया था तो हमारा कोई भी कंपनी नेम नहीं है। अब आपका एड्रेस आ रहा है, कंट्री आ रहा है। ठीक है, आपका फ्रंट एनएससी बैक एनएससी यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे लिखा है मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से चेंज होता नहीं है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आप ब्रांड पे क्लिक करते हैं, ब्रांड मेरा कोई ब्रांड नहीं है, आपको बताया था अप्लाई फॉर न्यू ब्रांड, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरा कोई ब्रांड नहीं था, लोकल से अकाउंट है, यहाँ पे कुछ मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा। अकाउंट सेटिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पर उन्होंने अलग से ऑप्शन दिया गया, तो फिर भी आते देख लेते हैं यहाँ पे है क्या। ठीक है, सिंपल आपको ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड जो कर रहा है जो हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे आपका फाइनेंस, फाइनेंस में आके आप अपना बैंक अकाउंट और कमीशन वगैरह चेक कर सकते हैं। आप चेक करते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, देखिए ब्रांड नेम आ रहा है, मेरा कोई भी ब्रांड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैं आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपका अकाउंट डिटेल, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक कोड, IBN। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज होता नहीं है, खैर फिर भी आप मॉडिफाई पर चेंज करके कर सकते हैं। क्या पता आप नहीं अपडेटेड तो वहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन होता है, लेकिन इतनी आसानी से चेंज होता नहीं, आपका अकाउंट दरअसल सेफ होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको वो आप जब सबमिट करेंगे तो वो अप्रूव में जाएगा, फिर वो पेंडिंग में जाकर वो चेक करेंगे, अप्रूव करना या चेक करना, फिर आपसे वो कांटेक्ट करके चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर आपने इनकेस अभी अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज करवानी हो या अपडेट करवानी हो, चाहे आपकी बैंक की हो, चाहे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो। यहाँ पे आ गया कमीशन, कमीशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी कोई कैटेगरी है, इस पर आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप कमीशन में जाकर चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ कमीशन लिखा गया है। तो यहाँ पर फायदा ये, कोई भी कमीशन वगैरह अपडेट होता है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज फैशन है, फैशन पे लिखा हुआ है कि 16.30 कमीशन चार्ज करता है, तो फैशन करना क्या यूनिसेक्स है, वो मैंने तो इतना परसेंट कमीशन चार्ज करता है कैटेगरी पर, तो आप जाके यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, कमीशन में आ गया। अब चलते हैं लॉजिस्टिक इन्वॉइस नंबर। ठीक है, अब इन्वॉइस नंबर क्या होती है, इन्वॉइस नंबर आपको पता है कोई बिल वगैरह बनता है तो इन्वॉइस नंबर होता है। ठीक है, यानी इसको अपनी
याद दहानी के लिए रहे कि कौन सी इनवॉइस गई, यानी कि अगर इनवॉइस नंबर 10 गई है तो मतलब ये 10वां कस्टमर है, ये मेरे पास ये 10वां ऑर्डर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट टाइप यूज ऑटो इंक्रीमेंट नंबर। ऑटो इंक्रीमेंट नंबर से क्या है, जब भी कोई नेक्स्ट ऑर्डर आएगा तो ऑटोमेटिक एक प्लस हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अभी मेरे पास नेक्स्ट नंबर इंसर्ट नंबर होती है 196, अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा अब वो जो है ऑटोमेटिक 197 कर देगा उसको, ठीक है। सेट एड्रेस फॉर इनवॉइस वेयर हाउस चेक नेक्स्ट इनवॉइस हमारे बिल लोकलाइज लिखा हुआ आ रहा है, अगर इस पर क्लिक करें चेक पे क्या है चेक कर लेते हैं, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करें, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है यूज ऑटो इंक्रीमेंट यूज ऑटो नंबर प्रोवाइड नंबर मैनुअली, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, यानी कि हर टाइम जो है वो आपसे बोलेगा कि आप अपना ऑर्डर नंबर डालें 1, 2, 3, 4, आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। उस ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे तो फर्स्ट करें आपने 0 टाइप कर दिया, अब नेक्स्ट ऑर्डर आएगा डिफॉल्ट 1, 2, 3, 4 तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यूज ऑर्डर नंबर तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये हो गया बिजनेस एड्रेस चेक, ठीक है। दो तीन एड्रेस होते हैं आपका, रिटर्न एड्रेस होता है, वेयर हाउस एड्रेस होता है, बिजनेस एड्रेस होता है, ये दिया गया, यहाँ से आपको चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे कि मेरा वेयर हाउस है, मेरा रिटर्न एड्रेस क्या है, वेयर हाउस एड्रेस क्या है, ये सिर्फ नाम के लिए होता है रिटर्न एड्रेस। तो आपको शायद इनकेस जो है वो पार्सल समटाइम जो है रिटर्न पार्सल होता है तो वो जरास वाला आपके घर पे आके आपको डिलीवर करता है, ठीक है। तो यहाँ से दिया गया ऑप्शन मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं आप, तो ये एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। यहाँ से आप इनवॉइस भी चेंज कर सकते हैं और अपना जो है वो बिजनेस एड्रेस रिटर्न एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। पिकअप एड्रेस अमूमा सेम ही होता है, मैंने अपना रिटर्न एड्रेस पिकअप एड्रेस जो है वो सेम ही रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नए ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे मैंने पिकअप एड्रेस ग्रुप लिस्ट, तो एड ग्रुप क्या प्लस पी वे एडवाइस शिपिंग प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट मेन टाइम लाइट चेंज ऑफ वेटिंग ग्रुप, ठीक है। देखते हैं क्या है, खैर उसको पैक करते हैं जब तक के। अब यहाँ पे ये गए हैं, आप इनवॉइस पे क्लिक करने के बाद वेयर हाउस पे ले गया था, अब यहाँ पे आपको अलग से ऑप्शन दिया गया, तो यही ऑप्शन होगा जो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं अभी। चूज एन एड्रेस टू द पिकअप एड्रेस इन द ग्रुप, अब ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, खैर मैंने अपना एड्रेस दिया हुआ है अपने घर का, इनवाइट मेंबर्स हु ऑलरेडी शेयर सेम एड्रेस और वांट टू शेयर सेम एड्रेस, ये नया ऑप्शन आ रहा है कि द ग्रुप टू शेयर सेम पिकअप एड्रेस और अकाउंट विल बी द ग्रुप ऑन योर वेयर हाउस एड्रेस विल बी द पिकअप एड्रेस फॉर द होल ग्रुप, अच्छा ठीक है। बस कह रहे हैं तीन चार ग्रुप हैं और उसमें से आप चाह रहे हैं कि तीन चार ग्रुप में से एड्रेस जो है वो एक ही हो, तो आप यहाँ के जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। आप मेंबर, ठीक है, उसके सेलर आई डी कॉन्टैक्ट नंबर वेयर हाउस कोड वगैरह सेंड करें तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप एक्सप्लोर कर लीजिए, मैंने किया नहीं है, अच्छा ऑप्शन मुझे लग रहा है, ठीक है। आपको देखें वो ये वेयर हाउस के ऑप्शन पे आ गया, हम देख चुके हैं। डिलीवरी सर्विस क्या है इसको देख लेते हैं, शायद डिलीवरी सर्विस में ऐसा क्या खास हो सकता है कि ये तो ऑलरेडी जरा सा काम होता है, जरा सा मैनेज करता है, शायद इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहे आपको, तो ये एक ऐसी ऑप्शन दिया गया। शिपिंग प्रोवाइडर चेक कर लेते हैं क्या है, शिपिंग प्रोवाइडर में क्या है, वेयर हाउस आई डी ड्रॉप शिपिंग, वेयर हाउस नेम ड्रॉप शिपिंग, लॉजिस्टिक सर्विस क्या है, दराज है, पैकेजिंग प्रोफाइल फास्ट फेड है, फर्स्ट टाइम है, ड्रॉप ऑफ, ठीक है। दराज के अपने होते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको देता है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, अगर चेंज करने के लिए भी आपको दराज से परमिशन देनी पड़ती है, दराज से खुद चेंज करते हैं, देखें। खैर ये दराज के पता होगा क्या है, खैर ये दराज के लिए आपको किसी कंपनी आना, यहाँ पर ऑप्शन होता है एडिट करने, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। सिम्टम ये होता है कि जैसे कि अगर आप किसी स्मॉल सिटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जो है दराज आपकी सर्विसेज नहीं होती हैं, तो वहाँ पे आप लिपर्ट को आपने डिलीवर करना होता है, तो इन केस लिपर्ट के केस में यहाँ पे जो है वो दराज लिखा हुआ नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब देखें ये यूज़र मैनेजमेंट सारा हम देख चुके हैं, एक मतलब जल्दी से देख लेते हैं, आपको यूज़र का एक्सेस देना था वो हम यहाँ पे हम देख चुके थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेम मैनेज रोल, ठीक है, इसी के अंदर था कि आपने किसी और को एक्सेस देना हो अपने अकाउंट का, ठीक है, पार्शियली एक्सेस या पूरा फुल एक्सेस तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हम दे चुके हैं, क्विक रिप्लाई ऑटो रिप्लाई नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं क्या है, और कीवर्ड भी हम दे चुके हैं, नोटिफिकेशन देखेंगे, आपको भी ऑप्शन लेके चले गए, हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि सम टाइम जो है वो एक से दो ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं, यहाँ पर भी मिल जाते हैं, ठीक है। चैट्स कीवर्ड टैग दोबारा देख लेते हैं क्या है, ठीक है, वही है जो मैंने आपको दिखाया था कीवर्ड्स पर किस तरीके से जो है वो कीवर्ड टैग करेगा तो आपको वही जो है वो बाय डिफॉल्ट जो आपने डाला होगा वो आपको शो कर देगा। नोटिफिकेशन भी आई थिंक हम लोग देखेंगे, ये लिखा हुआ ये देखिए ये बना हुआ रहा नोटिफिकेशन और यहाँ पर भी दे रहा है, तो चेक कर लेते हैं क्या है, ठीक है। हम लिखा हुआ है आपको कौन सी नोटिफिकेशन चाहिए, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट उसको रहने दें, छोड़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सेटिंग, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ से कर लें, वैसे इतना खास है नहीं है, तो यहाँ पे उसको एक्सप्लोर कर लीजिए, इतना खास है नहीं है, हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। वही ऑप्शन खुल रहा है, ऑर्डर है, लॉजिस्टिक स्टोर सिस्टम, जो नोटिफिकेशन जैसे कि ऑर्डर है तो आपने नोटिफिकेशन सेटिंग करनी है, आप जैसे कि ऑर्डर वगैरह आता है तो उसकी
जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा एक ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, ठीक है। नोटिफिकेशन आई हुई इसकी, नोटिफिकेशन सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन सेटिंग जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ सारी कस्टमर केयर की कोई आती है या सिस्टम्स की आती है या स्टोर की कोई नोटिफिकेशन आती है, तो यहाँ पे आप जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो हमने दो वीडियो में जो है वो जो थे इंपॉर्टेंट नहीं थे ऑप्शंस वो हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं, ठीक है। इसलिए साइड की पट्टी हमने पूरी देख ली है और नीचे की पट्टी कुछ है नहीं, और ये हमने पूरा देख लिया है, ठीक है। और इसमें से हमने जो है ऑलमोस्ट ये तो हमने पूरा देख लिया है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ यहीं पर था हमारे काम सेटिंग्स में जाकर, ठीक है। तो हमने देख लिया, अब जो है अब नेक्स्ट वीडियो से जो है वो हमारा असल काम स्टार्ट होता है, जो कि है वो ये। अब हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया, अब इसको हम आराम से डिटेल में जो है वो कवर करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि ये डिफरेंस